कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पेड़ पौधों की और ऐसे गीत आपको सुनवाने वाले हैं जिनमें पेड़ पौधों के नामों का जिक्र होगा। वैसे तो बहुत से ऐसे गीत हैं जिनमें बाद के यानी कि कह सकते हैं कि अंतरे में अलग अलग पेड़ पौधों के नाम का जिक्र है, पर हमने कोशिश की है कि किसी तरह पहली या दूसरी पंक्ति में ही किसी पेड़ पौधे का नाम आ जाए, ऐसे गीत शामिल करें। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि वो कौन सा गीत है जो दिलीप कुमार और राजकुमार पर फिल्माया गया है जिसमें दो पौधों के नाम पेड़ पौधों के नाम लिए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना, सौदागर फिल्म का गीत इमली का बूटा बेरी का पेड़, इसी की हमने बात की थी। हमारे कई साथियों ने अपने पसंदीदा पेड़ों के बारे में हमें बहुत सी बातें लिखकर भेजी हैं और साथ ही बहुत सी बातें उन्होंने ये भी लिखी हैं कि पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी होते हैं, पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी हैं और किस किस तरह की यादें उनकी जुड़ी हुई हैं पेड़ पौधों से। तो फिलहाल वक्त जाया ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर। हमें ये बताइए कि ये गीत किस फिल्म से हमने लिया है और ये किस पर फिल्माया गया है, किस पेड़ के नाम का जिक्र है, ये तो आप जान ही जाएंगे। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका। परख फिल्म के इस गीत में साधना नजर आती है और यही हमारे सवाल का जवाब था जो आपने बिल्कुल सही हमें दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गांव में वो कह रही है मैंने और मेरी सहेली ने बचपन में खूब इमली खाई है। भाई बहुत से ये तो बातें सबके साथ ही एक तरह से लागू होती क्योंकि सभी ने किसी तरह इमली आम ऐसे बहुत से फलों को खाया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो निमाड़ में रहते हैं और नीम के पेड़ अधिक पाए जाते हैं वहां पर, इसलिए इसका नाम निमाड़ पड़ा है और नीम के पेड़ ही उन्हें ज्यादा पसंद है। मॉर्निंग वॉक पर जब जाते हैं तो रोज नीम के पेड़ों के नीचे 10 मिनट बैठते हैं और वहां शीतल ठंडी हवा जो आती है वो मन को उनके सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज आम के आम और गुठलियों के दाम की भी बातें होनी है।
और हमारे और साथी हैं वो कह रही हैं कई तरह के पेड़ पौधे हम बचपन में देखते आ रहे हैं, आम, अमरूद, कटहल, इमली, जामुन, नीम, केले आदि। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम। पेड़ पौधों से ठंडी हवा और छाया मिलती है और साथ ही फल भी खाने मिल जाते हैं। और इन्होंने सौदागर फिल्म में इमली और बेर का जिक्र है इस गीत में, इन्होंने ये बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं गर्मी के दिन में बचपन में सरकारी क्वार्टर में रहा करता था, कमरे में पंखा चलाने के बाद भी कमरे में रातों में पंखे से गर्म हवाएं आती थी, तो हम दोनों भाई बाहर खटिया बिछाकर रात में सोया करते थे। सुबह सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू एक पेड़ से आया करती थी। उस पेड़ के नीचे जमीन पर छोटे छोटे उजले फल फूल बिक जाते थे। हम लोगों को उसका नाम नहीं मालूम था। एक दिन उस गिरे हुए फल फूल को चुनकर घर ले आया और माँ को दिखाया तो माँ बोली कि ये महुआ के पेड़ से गिरा हुआ है। उस दिन से हम इसे महुए के पेड़ के नाम से जानने लगे। तो इसी तरह से हम जानते हैं बचपन में अलग अलग पेड़ पौधों के नाम और उनसे जुड़ जाती हैं हमारी यादें। एक और पेड़ की बात हो रही है इसमें, इससे जिस पेड़ की बात हो रही है उससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा दोहा भी है, अगर आपको याद आए गाना सुनते हुए तो हमें बताइएगा। लेकिन सवाल तो हमारा ये है कि हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है और किस फिल्म का। चलो चलो चलने हम बबूल के तले, ठंडी ठंडी हवा हमें पंखे जले। ए हट्टो 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 हाय पड़ो नंगले जाओ जी तुम्हारे यहाँ दाल नंगले यहाँ दाल नंगले। चलो चलो चलें हम बबूल के तले, ठंडी ठंडी हवा हमें पंखे जले। होके चलोगी तो और मजा आएगा जी और मजा आएगा। लंगड़ी होके चलोगी तो और मजा आएगा जी और मजा आएगा। ऐसी बातें कहने वाले तेरा मुंह जले अबे तेरा मुंह जले। चलो चलो चले हम बबूल के तले, ठंडी ठंडी हवा हमें पंखे जले। उठाने के लिए साथ ये मजदूर है जी साथ ये मजदूर है। नखरे उठाने के लिए साथ ये मजदूर है जी साथ ये मजदूर है। आंखें बिछा देगा तेरे पांव के तले ए हट्टो 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 हाय पड़ो नंगले जाओ जी तुम्हारे यहाँ दाल न गले यहाँ दाल न गले। ए चलो चलो चले हम बबूल के तले, ठंडी ठंडी हवा हमें पंखे जले। अली बाबा और 40 चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक और साथी हैं, हमने ये भी पूछा था कि जिस पेड़ का जिक्र इसमें हो रहा है बबूल का, इससे संबंधित एक दोहा भी है अगर आपको याद आए तो। हमारे साथी ने बिल्कुल सही दिया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ऊपर उसके बारे में अगर पूरा कहे जाए तो कुछ इस तरह से हमें याद आता है, करता था सो क्यों किया अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो इस तरह से अगर आपने काम ही गलत किए हों तो आपको उसका फल भी गलत मिलेगा, ऐसा इस दोहे का
अर्थ निकलता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि छुईमुई नाम का पौधा है जिसे छूते ही वो आपस में सिमट जाता है, कुछ देर बाद पुनः स्वयं अपने परिवेश में आ जाता है, ये कुदरत का अजूबा है। वही हमारे एक और साथी कहने की विविध भारती अपने कार्यक्रम में जिस तरह से विविधता लिए हुए है, वैसे ही अपने बाग में भी विविध पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। मुझे तो अमलतास के पेड़ और गिरते हुए फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। पलास के फूल ने कुछ समय पहले ही अपनी छटा बिखेरी थी। तो हमारे और एक साथी हैं, वो कहते हैं कि पेड़ पौधे और हरियाली भला किसे पसंद नहीं होगी। ईश्वर की बनाई इस सुंदर कायनात में असंख्य पेड़ और पौधे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, पर आजकल हमें जल्द ही जानकारी मिल जाती है क्योंकि आजकल आप सर्च करके सारी चीजें पता कर सकते हैं। ऐसा इनका कहना है, जो कि सही बात है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि उन्होंने कुछ विषय से हटकर तो बात की है, लेकिन जो जिस विषय पर उन्होंने बात की है वो विषय भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, मतदान अवश्य करें, अपनों के अपने साथी मित्रों के साथ और दूसरों को भी प्रेरित करें मतदान करने के लिए। लोकसभा चुनाव का पर्व देश का गर्व, और हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पेड़ कोई भी हो, मुझे हमेशा से प्रिय है, क्योंकि किसी न किसी पेड़ से मेरे बचपन की या अपने किसी प्रिय की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे घर के बगीचे में और कुछ पेड़ घर के आसपास ऐसे हैं जो कुछ तो हम उम्र के हैं और तो कुछ बुजुर्ग, लेकिन उनसे दिल का रिश्ता सा बना है। उन्हीं में से एक पेड़ पीपल का है जो घर के सामने लगा है, आज भी है, बहुत पुराना है। उसकी तरफ देखते ही अपने बचपन की पतंग कैसे उलझ जाया करती थी, ये याद आ जाती है। घर के पीछे पार्क है, उसमें आम इमली के पेड़ हैं, उनसे भी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से इन्होंने यादों की बात की है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आपको एक गाने की धुन सुनवाई जाए, शुरुआती धुन, तो क्या आप याद कर सकते हैं वो किस गीत की धुन है? तो बिल्कुल ध्यान देकर सुनिए ये धुन। तो ये जो शुरुआती धुन है गीत की, आपको पहचानना है कि गीत कौन सा है, साथ ही जो गीत अभी सुनवाने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता सकते हैं। Thank you.
दहेज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जयश्री की आवाज में। आपने बिल्कुल सही बताया और साथ ही हमने जो धुन सुनाकर आपसे पूछा था कि कौन सा गीत है पहचानिए, वो भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। बूझ मेरा क्या नाम रे, यही गीत है जो हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं इन दिनों कचनार पर बैंगनी फूल खिले हैं, गुलमोहर के लाल फूल बहुत सुंदर है पर खुशबूदार नहीं। सरेश की मीठी सुगंध आती है, हर सिंगार बहुत पसंद है, मैंने गमले में ही लगा लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास भी कई बार पौधों को रखते हैं गमलों में लगाकर। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है और इसके बारे में इन्होंने बहुत सी बातें की है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती के प्रांगण में जहां आप टहल रही हैं वहां बहुत हरियाली नजर आ रही है और पेड़ पौधों के बीच रहने के सेहत लाभ कितने हैं हम सभी जानते हैं। मन को कितना सुकून मिलता है जब हम इनके बीच रहते हैं। आपके आसपास वहां जामुन, अशोक, चमेली, बोगनवेलिया, कदम, मोरपंखी, नीम, गुड़हल आदि के पेड़ हो सकते हैं। और भी सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिनके नाम नहीं जानते जो नजर आ रहे हैं। और हमारे बहुत से साथी, हमारे एक साथी ने पेड़ों के जिक्र की जगह मिठाई, मथुरा के पेड़े इन्हें बहुत पसंद है, ऐसे वो उस ओर ले गए हैं इस बात को। लेकिन आगे वो कहते हैं कि हंसी मजाक की ये तो बात हुई, लेकिन अगर बात करें मनपसंद किसी एक पेड़ का नाम पूछा जाए तो पीपल के पेड़ को बहुत पसंद करते हैं। पीपल के पेड़ की घनी ठंडी शीतल छाया धूप से तो बचाती है और देखा जाए तो पेड़ पौधे जंगल वनस्पति प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ वरदान और रूप है। पीपल का पेड़ हमें 24 घंटे प्राणवायु प्रदान कर हमारे जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करता है और धर्मों में भी, हिंदू धर्म में भी इसकी आस्था है, इसको पूजा जाता है। इस तरह की बातें इन्होंने हमारे साथ बांटी है। और अब हम आपको गाना सुनवाने वाले हैं बूझ मेरा क्या नाम रे, तो आप बूझिए कि किसकी आवाज है इस गीत में। साथ ही साथ आप हमें बताइए एक और सवाल का जवाब कि वो कौन सा गीत है जिसमें देवदार के वृक्ष की बात की गई है और उसका जिक्र इस तरह से हुआ है कि वो एक किसी झंडे की तरह खड़े हैं। तो कौन सा वो गीत है जिसमें देवदार के वृक्षों को झंडे की तरह खड़ा हुआ बताया गया है। और साथ ही जो गीत आपको सुनवा रहे हैं इसमें आवाज किसकी है बताइए। Thank you.
पेड़ का जिक्र है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज से हम कैसे जुड़े, कोई लिंक हो तो भेज दीजिए। लेकिन ये बात, ये कमेंट तो आपने उसी जगह की है जहां आपको पहुंचना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं। और जिस पोस्ट पर आपने कमेंट किया है उसी पेज को अगर आप लाइक करते हैं तो आपको रोजाना अपडेट्स मिलने लगेंगे और आप विविध भारती के फेसबुक पेज से अपने आप ही जुड़ चुके हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पेड़ साधारण जीव नहीं है, साधक है। तप करते हुए पेड़ मानवता को परोपकार के लिए सर्वस्व संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वे मानव मात्र के मित्र हैं जो कुछ नहीं मांगते। लोक में ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है जो जीवन पर्यंत सबको शीतल छांव, मीठा फल और सुगंधित पुष्प से स्वागत करता है। शांति और ज्ञान के अभ्यास के लिए साधकों ने सदैव पेड़ों की शरण ली है। पेड़ों का संसार प्रकृति का उपहार है। हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने वट वृक्ष को याद किया है और कहा है कि वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके बारे में जिसे बहुत ज़्यादा पूजा भी जाता है और उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो जो वट वृक्ष है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि रिश्ते कुछ बरगद जैसे, कुछ बेला के महक लिए, इन्हें सहेजें सदा साथ में हंसी खुशी जीने के लिए। एक हमारे और साथी कहती हैं कि मुझे आम बहुत पसंद है, फार्म हाउस में इनके आम के बहुत सारे पेड़ हैं, तकरीबन 200 पेड़ हैं, ऐसा ये कह रही हैं। तो आम का ये आनंद उठा रही होंगी ऐसा हम अपने आप ही समझ सकते हैं। हमारी और साथी कहती हैं कि शुभता के लिए तो अशोक का पेड़ बहुत पसंद है, आम और अमरूद ये दोनों भी बहुत पसंद है। बचपन में अमरूद के पेड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश, आम के पेड़ पर ढेला मारकर आम के टिकोले तोड़ना और सुबह उठने पर पके आम को लूटने के लिए उड़न परी बनकर आहाते भेजना, तो ये सारी इनकी यादें हैं जो आज ताजा हुई हैं। अब आप हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में ये गीत है, देखते हैं आपकी यादें कितनी ताजा हैं। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही यारा में उठते हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देसवा कियो। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही यार में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देसवा कियो। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही यार में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देसवा कियो। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तोहे नैनो का कजरवा। उमर गुमर जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मो, के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा कियो। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रही या तकत भी रहनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा की ओ।
पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठे तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की। गोदान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। यही हमारे सवाल का जवाब है जो आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो मुंबई में रहती हैं और घर के सामने सार्वजनिक गार्डन है जिसे 12 मेंबर ने मिलकर अडॉप्ट किया है और उसकी देखभाल करते हैं। उसमें मेरे पति भी मेंबर हैं। वो रोज सुबह अपने साथियों के साथ मिलकर पौधों को पानी खाद वगैरह जो भी जरूरतें हैं वो सब मिलकर रखरखाव करते हैं। आसपास के जो रहवासी हैं वो भी योगदान करते हैं, वॉक करने आते हैं, उन्हें शुद्ध हवा भी मिलती है और किसी का जन्मदिन अगर हो तो अपने घर से एक पौधा लगाते हैं। और मेरी फैमिली में 3 जन है जिसका भी जन्मदिन होता है एक पौधा उनके नाम से जरूर लगाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी आदत है कि हम अपने जन्मदिन या ऐसे किसी मौके पर एक पौधा लगाएं। हमारे साथी कह रहे हैं कि इस बरसात में गमले में जो जामुन के पेड़ बड़े हो गए हैं उसको एक खास जगह सोसाइटी के अंदर प्रत्यारोपण वो करने वाले हैं। और एक साथी है वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही है लेकिन हम हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी थीम है कि उनको बिजी होने के बावजूद वो कमेंट्स कर रही हैं और कह रही हैं कि पेड़ पौधों की दीवानी है, पेड़ पौधों से दवाइयां बनाई जाती हैं। उनके घर में गुड़हल के खिलते फूल हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, पूजा के लिए उनके पास हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने चेरी टमाटर लगाए थे तो 12 से 13 टमाटर आए तो उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्होंने सबके पास इसकी तस्वीर भेजी। कई बार पेड़ पौधों के आसपास जब हम घूमते हैं तो पैरों में कांटा चुभने की संभावना भी होती है अगर पेड़ पौधे कांटेदार हों तो ऐसी ही बात एक गीत में भी है, कांटा चुभने की बात एक गीत में है। तो वो गीत कौन सा है आप हमें बताइएगा। तो फिर से एक बार दोहरा दे हमारा सवाल कि कई बार पेड़ पौधों के आसपास जब हम घूमते हैं तो पैरों में कांटा चुभने की संभावना बहुत होती है, तो आप बताइए ऐसी ही बात किस गीत में कही गई है। और आप जब तक इस सवाल का जवाब दें तब तक हम लेते हैं एक अंतराल। जोश, जुनून, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास है उनका स्वाभिमान। उन्होंने बनाए ऐसे खिलाड़ी कि गूंज उठा मैदान। प्रोड्यूस्ड बाय जी स्टूडियोज, बोनी कपूर, अरुणावा जॉयसेन गुप्ता और आकाश चावला। प्लीज मिस्टर रहीम, इंडियन फुटबॉल टीम कोच। फिल्म मैदान जिसमें कामयाबी की बुलंदी पर हैं अजय देवगन। इंडिया खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। साथी सितारे प्रिया मणि और गजराज राव। मैं सुना झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है, कहां कहां से नमूना इकट्ठा किया मिस्टर रहीम? जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फिल्म मैदान जिसके म्यूजिक कंपोजर है माइस्ट्रो AR रहमान। कोच रहीम मुद्दत बाद अपने घर आए हैं मगर वहाँ मैनेजमेंट में आपस की रस्साकशी ने इंडियन फुटबॉल की हालत चिंताजनक बना दी है। बंगाल के खिलाड़ियों को हैदराबादियों से बदलने का मौका ढूंढ रही है। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए। यहाँ नए कोच रहीम की सोच और नजरिया बिल्कुल साफ और मजबूत है। और रहीम तो क्या ढूंढ रहा है यार? मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, नाकामी हौसले तोड़ने लगती है। नया टीम बनाया, क्या किया? बहुत ज्यादा बहाने हो गए। ऐसा ही चलता रहेगा? एक और टूर्नामेंट हारने का समय नहीं है हमारे पास। ऐसे रहीम को पड़े जिस्म के खास हिस्से पे लात। कोच रहीम ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि हालात से लड़ने की ठानी। इस भीड़ से साथ की उम्मीद मत रखना, कान बंद करके खेलना। और आखिर आ ही गया फैसला करने का वक्त, सारा हिसाब मांगने का दिन। किसका हिसाब चाहिए मुझे? डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा। आधी दुनिया हमें जानती भी नहीं है, फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है। रिलीजिंग ऑन 10th April, बोनी कपूर मैदान। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमने
अंतराल पर जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि कई बार पेड़ पौधों के आसपास घूमते हुए पैरों में कांटा चुभने की संभावना होती है, और ऐसी ही बात एक गीत में भी है। वो गीत कौन सा है? आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, अनोखी रात फिल्म का ये गीत जो हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात, वो कह रहे हैं कि आज तो आपने बचपन याद दिला दिया। गर्मी की छुट्टियों में जब गांव जाते थे तो ननिहाल जाने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। उनके यहाँ आम का बाग था, पेड़ों पर चढ़कर एक से बढ़कर एक बेहतरीन पके रसीले आमों का आनंद उठाना, बगल के तालाब में जी भर तैरना, नहाना, साथ ही साथ माँ और नानी की प्यार भरी डांट भी सुनना। अब ना तो नानी है ना बाग, वो आनंद तो अब यादों में ही शेष है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छे घने पेड़ लगते हैं जिनकी छाया में हम सुखद एहसास महसूस करते हैं, जो ठंडी हवा निसर्ग की देन है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वट का पेड़ उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि महाराष्ट्र में वट सावित्री के दिन इस पेड़ की पूजा होती है और इसकी छाया बड़ी शीतल होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे पेड़ पौधों का इतना शौक है, इतना पसंद है कि मैंने अपने घर को जंगल में ही बदल दिया है। इतने सारे पेड़ हैं कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता, और फूल और सब्जी फ्रूट्स सब मिल जाता है। आम, अमरूद, अंगूर, पपीता, खजूर, जामुन, अनार, बेर, केले, सीताफल, एक बार तो शरीफा पाइनएप्पल भी उगा दिया था उन्होंने। कदम के पेड़, चंदन, लोटस फ्लावर, लिली, रोज, अनेकों रंग के उनके पास में लगे हुए हैं। तो वाकई इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने बगीचे को एक छोटे जंगल में तब्दील कर दिया है। लेकिन हम आपको सुनवाने वाले हैं गाना अनोखी रात फिल्म का। बताइए किस पर फिल्माया गया ये गीत। अनोखी रात फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इस गीत को फिल्माया गया अरुणा ईरानी पर। हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं कि पेड़ साधारण जीव नहीं, साधक है। तब करते हुए पेड़ मानवता को परोपकार के लिए सर्वस्व संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वे मानव मात्र के मित्र हैं जो कुछ कभी नहीं मांगते। लोक में ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है जो जीवन पर्यंत सबको शीतल छांव
मीठा फल सुगंधित पुष्प से स्वागत करता है। शांति और ज्ञान के अभ्यास के लिए साधकों ने सदैव पेड़ों की शरण ली है और पेड़ प्रकृति का उपहार है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से बुलाएं तो भी वो सुगंध देगा। हमारे इस महान देश में कितनी ही भाषाएं बोली जाती हैं और इसलिए कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सभी राज्यों में पाए जाते हैं और हर भाषा में उनके अलग नाम है। जैसे अमरूद को कहीं जामफल तो कहीं बिही, कहीं अमृत फल तो कहीं पेरू, कहीं सफारी और बांग्ला में तो इसे प्यारा कहते हैं। इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेरा बहुत पसंदीदा फल है और मैंने अपने गाँव में 3 पेड़ लगा रखे हैं। वैसे तो मेरे पास 22 तरह के फलों के पेड़ हैं, पर इनमें सबसे प्यारा अमरूद है। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पेड़ पौधे इस तरह से लगाते हैं। हमारे एक और साथी कहने के बहुत सारे पेड़ हैं आसपास में, पर सच है मैं उनके नाम तो से अनभिज्ञ हैं। हम कुछ के नाम भी जानते हैं, आम का, कटहल का, अमरूद का, पीपल, नीम, इमली, केला, नारियल, इसमें तो इनके पेड़ तो बहुत दिखते हैं यहाँ पर। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पहले घर में 3 पेड़ थे, नीम, जामुन और बेलपत्र। अब जहां रहते हैं वहां एक भी पेड़ नहीं है, बड़े दुख की बात है। सभी जमीन कवर हो चुकी है, तो पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान के जैसलमेर इलाके में ये रहते हैं और उन्हें लग रहा है कि पेड़ों की वहां कमी उन्हें लग रही है और इस देश में इस जगह पर कम बारिश होती है और बहुत गर्मी लगती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई तरह के पेड़ पौधे हम बचपन में देखते आ रहे हैं, आम, अमरूद, कटहल, इमली, जामुन, नीम, केले आदि बहुत से पेड़ हैं जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम। पेड़ पौधों से ठंडी हवा और छाया मिलती है, फल खाने भी मिल जाते हैं। और बाकी बातें करें इससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं एक गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है। Thank you.
शबाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है। इस पेड़ की खासियत है कि 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा करके ये सृष्टि को देते हैं। सभी पेड़ और वनस्पति का खास महत्व है। कभी कोई पेड़ हमें फल देते हैं, कहीं कोई हमें औषधि देते हैं और बहुत सारे ऐसे उन्होंने बताया कि आयुर्वेदाचार्य चरक ऋषि द्वारा लिखा सारंधर संहिता ग्रंथ में पेड़ के गुणधर्म और सचित्र पत्तों चित्र साझा करते हुए मार्गदर्शन किया गया है। वहीं मालिक साथी कह रहे हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, सच किसी से छिपा नहीं है। पेड़ पौधे धरती का गहना है, प्रकृति का श्रृंगार है। धरती पर हरियाली ही इन पेड़ पौधों की देन है। मौसम, जलवायु, बारिश भी इन पौधों की देन है। अब ये हमें प्राणवायु देने के साथ ही पर्यावरण में मौजूद तमाम जहरीली गैसों को ग्रहण कर हमें शुद्ध ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। अगर पेड़ ना हो तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रकृति के अनुपम धरोहर पेड़ों को लेकर लोगों के में जानकारी का अभाव है। और अब हम आपको अगला गीत सुनवाने वाले हैं। हमें इस गीत के बारे में आप ना बताएं, हमें बताइए दूसरे गीत के बारे में। भई मधुमती फिल्म का एक गीत है बिछुआ, तो उस गीत में बिछुआ के काटने की बात वो कहती हैं कि उन्हें बिछुआ ने काट लिया है, लेकिन किस पेड़ का जिक्र है उसमें ये आप हमें बताइए। तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत।
आप सुन रहे थे ये गीत, और इस गीत के बारे में तो हमने सवाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने बताया है कि समाधि फिल्म का ये गीत आपने आप सुन रहे हैं और इसमें आशा पारेख नजर आती हैं, ये भी आपने हमें बता दिया। लेकिन हमने आपसे पूछा था मधुमति फिल्म के बारे में कि उसका गीत बिछुआ है जिसमें किस पेड़ का जिक्र है, तो आपने बिल्कुल सही बताया, पीपल के पेड़ का जिक्र उस गीत में आता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि घर के आंगन में विशाल शहतूत का पेड़ था जिसके ऊपर कई पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे। सुबह और शाम को पक्षियों का इतना कलरव होता था जिसे आज तक नहीं भूला। साथ ही 3 से 4 इंच लंबे शहतूत खाने को मिलते थे और गर्मियों में भरी दोपहरी में पेड़ की छांव शीतलता का बोध कराती थी। ये पेड़ नहीं, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी छांव में हम पले बढ़े हैं। मोटे रस्से से पेड़ की मोटी शाखा पर झूला डालकर बहुत झूला हूं। तो उन्होंने एक बहुत सारे गीत भी लिख भेजे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हाई स्कूल में जीव विज्ञान के साथ साथ वनस्पति शास्त्र भी एक विषय था। उसमें ये बताया जाता था कि कुछ पेड़ पौधे कीट भक्षी भी होते हैं। देखने का तो कोई अवसर नहीं मिला। ऊटी घूमने गए थे तब बॉटनिकल गार्डन देखा था जिसमें अनेक तरह के पेड़ थे जिनके नाम अब याद नहीं है। एक परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे जहां चिनार के पेड़ देखने को मिले। वहीं एक चिनार के पेड़ पर उसकी आयु 400 वर्ष लिखी हुई थी। उस वृक्ष के नीचे हमने यादगार के तौर पर फोटो भी निकाली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बात उनको ध्यान में आई कि आप अगर मान लीजिए अगर धरती पर पेड़ पौधे ना होते तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली तमाम फिल्मों के गीत जिसमें पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर गीत पूरे किए जाते हैं वो कैसे होते। और उन्होंने उनका कहना है कि पेड़ इतने दयालु होते हैं, सदैव कुछ ना कुछ हमें देते हैं, कभी फल फूल देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं और बहुत सारी चीजें। और ये साथ में कह रहे कि फिल्मों में काम करते करते भी कभी निर्माता निर्देशकों से कोई शुल्क कोई मेहनताना उन्होंने नहीं लिया। तो कुछ इसी तरह का एक गीत है जिसमें भी पेड़ पौधे के इर्द गिर्द ये गीत है, तो आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान, क्या रंग खिला क्या रूप सजा, इतना सताओ प्यार करने की कोई रीत बताओ, गुंचे गुलाब के नबतियाँ बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। शबाब हमको पिलाए प्यार की शराब, पढ़ लो हमारे दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हाँ भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कर लो कभी तो हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। आओगे जिस दिन लेके बारात, दे देंगे हाथों में ये हाथ। हाँ किसी के प्यार को प्यार से सजाओ, जीवन भर का साथ कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। गुंचे गुलाब के नबतियाँ बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की ना इतना
छोटी बहन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही हमारे सवाल का सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, पेड़ ना जाने कितने पक्षियों के घर बन जाते हैं जहां वो सब मिलकर रहते हैं, उनकी चहचहाट से गूंज उठा है पेड़, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नन्हे पौधे लगाएं जो एक दिन पेड़ बनकर घर बन जाएगा। सोचे हम कितने पक्षियों को घर देंगे और उनको भोजन ये पेड़ फल स्वरूप देंगे। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम में एक गीत। हमारे लेकिन एक साथी ये कह रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है तो हरियाली की बात आते ही दिल में ठंडक सी आ जाती है। कोई भी नया पेड़ या पौधा इन्हें दिखता है तो तुरंत उनका नाम जानने की जिज्ञासा होती है, तो जानकार लोगों से पूछते हैं, नहीं तो वो गूगल लेंस के जरिए इसको पता कर लेते हैं। और गुजरात में हम बचपन में खेल खेलते थे, उसका नाम था आंबली पीपली, ऐसा इनका कहना है। तो गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें जिक्र है गुलमोहर का, तो हमें बताइए कि ऐसा ही एक और गीत है जिसमें गुलमोहर का जिक्र है, वो गीत कौन सा है? मेरी जिंदगी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे और आपसे हमने पूछा था गुलमोहर का जिक्र होता है एक और गीत में, वो कौन सा गीत है? देवता फिल्म का गीत गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, आपने बिल्कुल सही पहचाना उस गीत को। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और बस एक ही गीत की गुंजाइश है, तो जो गीत आपको सुनवा रहे हैं हमें बताइए उस फिल्म में नायक नायिका कौन थे। घर के गगरिया हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे,
पापी बिछुआ बिछुआ फिर सुर पापी बिछुआ बिछुआ अंतर फेरू कोमल काया छोड़ के डारे छू जाने 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 मधुमति फिल्म के इस गीत में दिलीप कुमार और वैजयंती माला इस फिल्म के नायक नायिका थे। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Filing of nomination.